अपराधी ना तो किसी का दोस्त होता है और ना ही किसी का दुश्मन होता है, ना इसका कोई मजहब है और ना ही यह किसी धर्म को मानता है। अपराधी प्रत्येक स्थिति में अपराधी होता है और उसकी मूल प्रवृत्ति अपराध करना ही होता है। आज एक बार फिर अपराधियों के इस बड़े जखीरे का खुलासा करते हुए तेघरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आए दिन तेघरा अनुमंडल क्षेत्र में कई जगहों पर खास करके सड़क क्राइम की संख्या बढ़ गई थी। कुछ एक संख्या में युवक थे जो सड़क क्राइम यानी जिसको हम लोग रोड क्राइम कहते हैं, इस काम को अंजाम दिया करते थे, जिसमें पिछले दिनों एक गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक संगठित टीम कार्रवाई किया, जहां से 4 देसी कट्टे भरे हुए मैगजीन और कुछ प्रतिबंधित बुलेट भी बरामद हुए और इस पूरी कार्रवाई में 4 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये 4 आरोपी किसी बड़े और सातिर घटना को अंजाम देने में जुटे हुए थे। ये लोग किसी का सुपारी भी लिए हुए थे। आइए क्या कहते हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, आपको सुनवाते पूरी घटना। कल के दिन शाम में करीब 6:15 बजे सूचना मिली कि पिढौली के एक सुमन कुमार है, जिसके घर पर कुछ अपराधी तत्व जमा हुए हैं हथियार के साथ और किसी घटना को अंजाम देने के लिए। इसी पर एक हम लोगों द्वारा एक टीम बनाई गई, थाना प्रभारी तेघरा के नेतृत्व में एक टीम बना और टीम को भेजा गया वहाँ। जब इन लोग वहाँ गए तो देखे कि कुछ लोग बैठे हुए हैं वहाँ, इन लोगों को देखकर भागने लगे, जिसमें 4 को पकड़ा गया और चारों के पास से पिस्टल और देसी कट्टा बरामद हुआ है और एक जो है व्यक्ति भागने में सफल हो गया। उस पर सर जो गिरफ्तार हुआ उस पर पहले से भी कोई मामला दर्ज? हाँ, कुछ पर पहले से भी मामला दर्ज है। इसमें से 4 जो पकड़ाया है उसमें एक सुमन कुमार है पिढौली का, दूसरा एक अमन कुमार उर्फ फेंटा हसनपुर का, तीसरा सौरभ कुमार उर्फ पोलू बाजीतपुर पिढौली का और चौथा निकेश कुमार यह रघुनंदनपुर का है और एक भागा जो है वो पिढौली का ही है। इसमें पहले से भी कुछ आपराधिक इतिहास रहे हैं। इसमें सुमन भी जेल गया है, घंटा मर्डर केस में एक जेल गया है पहले, और एक पोलू भी है उदासराब के केस में जेल जा चुका है। इन लोग इधर बहुत कुछ छोटी मोटी घटनाएं कर रहे थे जो कि मालूम चल पाता है और लोग नहीं आ पाते हैं, तो इन लोगों को पकड़ने से काफ़ी क्षेत्र में राहत मिलेगा और अपराध कम हो जाएगा। चारों के पास से सर हथियार बरामद हुआ है? हाँ, हथियार चारों के पास से बरामद हुआ है। गाड़ी बरामद हुई है? गाड़ी भी बरामद हुई क्या? हाँ, इसमें जो बरामदगी हुई है उसमें 3 देसी कट्टा, एक पिस्टल 3.50 बोर की 3 गोली, एक प्रतिबंधित गोली है शायद एक फुट सीमेंट की गोली लगती है और 4 मोबाइल, एक 3.50 का मिस्ड फायर गोली और एक काला रंग का मोटरसाइकिल BR09AK60। इन आरोपियों का है सर या किसी अलग जगह से छीना तई का ही गाड़ी भी है? नहीं, इसका हम लोग पता कर रहे हैं कि मोबाइल और मोटरसाइकिल की क्या स्थिति है, छीना हुआ है कि चोरी का है, तो हम लोग पता कर रहे हैं। इसमें सर कोई अपराधी ऐसे भी हैं जो माइनर हैं, कम एज के हैं? कोई भी अपराधी माइनर नहीं है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? इन लोगों की गिरफ्तारी एक पिहौली का सुमन कुमार है जो अरेस्ट हुआ है। सुमन कुमार पिता स्वर्गीय राम पदार्थ राय, उसके माँ बाप मरे हुए हैं और वह अकेले रहता है और उसी घर में यह पनाह देकर अपने कांडों काम जानता है। पकड़ाए गए इन चारों अपराधियों से 3 देसी कट्टा, एक पिस्तौल, 1.315 बोर की 3 गोली और AK-47 जो प्रतिबंधित है उसकी भी एक गोली मिली है, 4 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। हालांकि इनमें से 2 आरोपी ऐसे हैं, सौरभ कुमार और अमन कुमार, जिनका पिछला आपराधिक इतिहास रहा है। साथ ही इन चारों अपराधियों में सुमन कुमार, अमन कुमार, सौरभ कुमार और निकेश रंजन, इन सभी अपराधियों को पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है। हालांकि अपने आप में पुलिस की यह बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ी